हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार के पावापुरी में स्थित रिम्स हॉस्पिटल के बारे में, जो सरकार द्वारा संचालित है और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड है। दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस हॉस्पिटल की क्या क्या सुविधाएं हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये, और क्या क्या व्यवस्था वहाँ पे की गई है, कैसा रूप है, क्या 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 अरेंजमेंट किया गया है। फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्टर के भी ब्लॉग में, मिस्टर कृष्णा प्रसाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब हम पावापुरी पहुंच चुके हैं और यहां से अब हम मेन रोड को छोड़कर एक ब्रांच रोड जो राइट साइड की तरफ जाती है वो पकड़ेंगे हॉस्पिटल जाने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हॉस्पिटल जाने का रास्ता। मेन रोड से हॉस्पिटल जाने के लिए करीब आपको 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है और यहाँ पर मेन रोड से आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे निजी वाहन लगे रहते हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शा बहुत सारी होती है यहाँ पे लगी हुई, जिसमें बैठ के आप आसानी से हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, जो कि जल मंदिर है पावापुरी में स्थित। ये जल मंदिर जैन धर्म के लोगों का एक तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पर जैन धर्म के लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है इस मंदिर में, और इस मंदिर के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस मंदिर के बारे में सारा कुछ बताऊंगा फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाला हूँ, अलग अलग तरह के, और बहुत सारे जानकारी भरे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अब आप सामने देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग मुझे दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ से लेफ्ट लेने के साथ सामने ही हॉस्पिटल का गेट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल हॉस्पिटल के पास। अब यहाँ से मैं मेन गेट से एंट्री करूँगा हॉस्पिटल में। ये मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं हॉस्पिटल में। एंट्री करते के साथ आपको राइट साइड में जो है पार्किंग एरिया दिखाई पड़ती है, जहाँ पर आप अपने निजी वाहनों को खड़ा कर सकते हैं। ठीक पार्किंग एरिया के बगल में एक SBI का ATM भी है, जहाँ से ज़रूरत पड़ने पर आप धन राशि की निकासी भी कर सकते हैं। जिसमें मेन गेट के ठीक सीधे पार्किंग के अपोजिट साइड में इमरजेंसी वार्ड है। तो इमरजेंसी वार्ड की तरफ मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं OPD की तरफ बढ़ता हूँ। और आप जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यह मेन गेट है हॉस्पिटल का, और मेन गेट से ठीक बाईं तरफ OPD की व्यवस्था की गई है, मतलब बाहरी पेशेंट को देखने के लिए, बाहरी पेशेंट का इलाज करवाने के लिए यहाँ पर OPD ठीक गेट से अंदर घुसते के साथ बाएं साइड में स्थापित किया गया है। और ये मैं पहुंच चुका हूं OPD के पास, और यहीं से OPD में अंदर जाने का प्रवेश द्वार भी है। तो चलिए मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूं कि आपको क्या दिखता है जैसे ही आप OPD के प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं। यहां से ठीक सामने आपको विंडो दिखाई पड़ रहे होंगे, जहाँ पर आप तो किसी भी रोगी को दिखवाने के लिए टोकन कटवा सकते हैं। यहीं से आपको टोकन मिलता है, उसके बाद वहां से आपको बताया जाता है आपको कहां जाना है, किस फ्लोर पर जाके कौन से डॉक्टर से या किस डिपार्टमेंट में जाकर आपको ट्रीटमेंट करवाना है। ठीक
ठीक गेट से एंट्री करने के बाद आपको राइट साइड में ये पूछताछ विंडो, इंक्वायरी विंडो, जहाँ से आप किसी भी क्षेत्र के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं, यहाँ से हॉस्पिटल के किसी भी फैसिलिटी या क्षेत्र के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ पेशेंट का, और फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको बताऊँगा कि हॉस्पिटल के किस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ स्थित किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन विंडो पे बाएं साइड में पुरुषों के लिए जगह बनाई गई है और दाहिने साइड में स्त्रियों के लिए बनाई गई है, ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान महिलाओं के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो और वो भी आसानी से आके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके और अपना या अपने परिवार के सदस्यों का इलाज आसानी से करवा सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इधर पुरुष निबंधन और इधर महिला निबंधन, जहाँ पर आपको ट्रीटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बीच से यह सी ब्लॉक के लिए गली जाती है। यहाँ पे किसी भी तरह की टेस्ट की सुविधा, सारी तरह के टेस्ट लगभग, और ब्लड बैंक भी इसी ब्लॉक में स्थापित किया गया है। ये यहाँ का अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन के डिपार्टमेंट है। इस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सुविधा यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त दी गई है। यहीं पर आपको डायग्नोसिस का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI और सिटी स्कैन का डिपार्टमेंट में स्थापित किया गया है। और बढ़ते हैं आगे की ओर, क्या क्या है सी ब्लॉक में। और आप जैसा देख सकते हैं कि इसी ब्लॉक में ब्लड बैंक भी स्थापित किया गया है, जो कि 24 घंटे 24 आवर सर्विस है इसकी। और इसी के बगल में एक बोर्ड लगा हुआ, जहां पर कौन कौन सा ब्लड अभी किस किस ग्रुप का ब्लड अवेलेबल है उसकी नोटिस लगाई जाती है। ये डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, जहां ब्लड टेस्ट के लिए लैब बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट के ठीक बाहर में एक बोर्ड लगाया हुआ है, जिसमें आपको सारे चार्ट दिए हुए हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध है आपको सीटी स्कैन की, और उनके क्या चार्जेज हैं। तो आप इस बोर्ड में देख सकते हैं कि उनके क्या चार्जेज हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ठीक डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस के बिल्कुल अपोजिट साइड इसी गली में ऑपरेशन थिएटर की भी व्यवस्था की गई है। यहीं पे ऑपरेशन थिएटर स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको लेके चलता हूँ ए ब्लॉक में और दिखाता हूँ कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट स्थापित किया गया है ए ब्लॉक में। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं ए ब्लॉक में आ चुका हूँ, जहाँ पे बाएं साइड में सर्जरी OPD स्थापित है और दाहिने साइड में ऑर्थोपेडिक्स। हर फ्लोर पे ऐसे ही दो विभाग को स्थापित किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाएं साइड में सर्जरी विभाग को स्थापित किया गया है और दाहिने साइड में हड्डी रोग विभाग को स्थापित किया गया है। तो मुझे हड्डी रोग की तरफ जाना है, इसके लिए मैं हड्डी रोग की तरफ बढ़ता हूँ। आप हर फ्लोर पे जब पहुँचेंगे किसी भी विभाग में, तो आपको बाहर में एक रिसेप्शन कक्ष दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन पेपर जमा करना होता है, और फिर वो वहाँ से आपको बताते हैं कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है ट्रीटमेंट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप एंट्री गेट से सीधे हॉस्पिटल में अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तो सीधे में फर्स्ट या सेकंड गले पे आपको इमरजेंसी वार्ड दिखाई देता है, जो कि आपातकालीन स्थिति में आए हुए मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, ये हॉस्पिटल मैंने जैसा कि बताया था मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल है, और इसमें लगभग सारी सुविधाओं से लैस बनाया गया है इसको। 5 फ्लोर का ये हॉस्पिटल है और हर फ्लोर पे OPD के लिए दो दो विभाग बनाए गए हैं, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कौन कौन सा विभाग जो है यहाँ बनाया गया है और किस किस फ्लोर पे कौन कौन सा विभाग किस ब्लॉक में स्थापित किया गया है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे, मैं आपको एक एक करके सारा चीज डिटेल्स में दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो इमरजेंसी वार्ड है उसके जस्ट आगे आप सीधा आगे की ओर बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल ब्लॉक सी वार्ड एवं सर्विसेज का वो आपको डिपार्टमेंट दिखाई पड़ता है। और उसके बाद आगे कुछ बिल्डिंगें हैं, पर मुझे नहीं पता कि कौन सी है, तो देखता हूँ अगर उधर मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। और ये इस हॉस्पिटल का दवा वितरण केंद्र है, जहाँ पे दवाइयाँ वितरित की जाती हैं
जितनी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हो सकती हैं इस विंडो से दे दिया जाता है, और कुछ दवाइयाँ जो कि यहाँ पे उपलब्ध ना हो आपको बगल में ही बहुत सारे मेडिकल स्टोर जो खुले हुए हैं उनसे ख़रीदने पड़ते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सारी दवाइयाँ आपको मिल जाए, लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ आपको इसी हॉस्पिटल में मिल जाती हैं। मैं ए ब्लॉक में एंट्री कर रहा हूँ अभी, और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में ए ब्लॉक पे लेफ्ट साइड में जनरल सर्जरी और राइट साइड में ऑर्थोपेडिक क्लिनिक रखा गया है, और हर फ्लोर पे जाने के लिए आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों की व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ पे हर फ्लोर पे जाने आने के लिए लिफ्ट की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। अब आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ये देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में सर्जरी विभाग को रखा गया है और राइट साइड में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को रखा गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड फ्लोर की ओर। देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे दंत रोग विभाग रखा गया है, लेफ्ट साइड में डेंटल ओपीडी और राइट साइड में शिशु रोग विभाग मतलब पेडियाट्रिक ओपीडी रखा गया है। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड फ्लोर की ओर। सेकंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं साइकेट्रिक ओपीडी है, टीबी एंड चेस्ट ओपीडी है और स्किन ओपीडी है, और यहीं से आपको बी एंड सी ब्लॉक में जाने का रास्ता भी है। उस साइड से आप बी और सी ब्लॉक में जा सकते हैं। यहाँ थर्ड फ्लोर पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रखा गया, मेडिकल रिकॉर्ड रूम है और ब्लॉक सी जाने का रास्ता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको हर फ्लोर पे जाके दिखाया कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट किस फ्लोर पे है, इसी तरह से हर विंग या हर ब्लॉक में हर फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट रखे गए हैं। समय के अभाव के कारण मैं आपको सारे ब्लॉक्स नहीं घुमा पा रहा हूँ, सारे ब्लॉक्स नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ अपने ब्लॉग को। मिलूंगा आपसे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।